कि देवक देवकी वसुदेव विवाह शादी तय हो गया है, विवाह हो भी गया है, अब पृथ्वी इत्यादि को छोड़ दो। वो पृथ्वी गऊ बन करके भगवान से आर्त प्रार्थना की है, पापो बढ़ गया आप आ जाइए। विप्रधेन असुर संत हिन लीन मनुज अवतार, तो भैया गोपाल का आना है, गोपाल से पहले बलदाऊ जी को आना है। बलदाऊ जी आएंगे और बलदाऊ जी की आंखें बंद रही जब तक गोपाल नहीं आए, हमने ये भी सुना है। बलदाऊ जी आंखें ही नहीं खोले, रोहिणी मैया बड़ी चिंता में, सब चिंता में। मां दिव्य दिव्य विद्वान आए, पंडित जी आए, बोला रे मैया ये सूचना दे रहे हैं कि एक और लाला आने वालों है, जब वो लाला आवेगा तभी बलदाऊ अपने आंख को खोलेंगे, पहले देखेंगे तो अपने लाला को। वह दुनिया देखने बलदाऊ नहीं आए हैं, दाऊ दयाल लाला को देखेंगे अपने। और दाऊ दयाल ने आंखें ही तभी खोली जब लाला आए गए, यशोदा को लाल, रोहिणी को लाल और यशोदा को लाल कर दियो कमाल महाराज। 5,500 वर्ष पहले आकर के जल को, स्थल को, फल को, सबको मुक्त कराने का प्रथम क्रांति का सोत पात्र अगर किसी ने किया महाराज, भारत में कृषि आंदोलन का बीड़ा किसी ने उठाया, भारत में हल किसी ने उठाया, समस्याओं का समाधान किसी ने दिया, तो भगवान बलराम और सबसे क्रांतिकारी युवा के रूप में प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गिरिराज और प्रकृति की पूजा करवा दी, ये दोनों भाई नहीं महाराज, साक्षात परमात्मा हैं जो क्रांति करके शांति देने आए इस पृथ्वी पर, मानवता को शांति देने आए हैं। बलदाऊ जी का जन्म हो गया महाराज, रोहिणी जी वो सप्तम गर्भ है, कर्षित करके ले जाया गया, रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया गया। हमको रात में एक आदमी सिखा रहे थे कि गुरुजी बहुत बढ़िया मौका है, इसी पर सरोगसी पर बोल दीजिए। हम क्यों, जरूरी है कि हम विज्ञान से जोड़ते रहें, मजबूरी है हमारी, ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है इस पर बोलेंगे हम एक दिन, साइंस क्या है और नॉलेज क्या है इस बारे में बताएंगे आपको, आप समझोगे तब बताएंगे। हमें जरूरी है कि हर चीज हम विज्ञान से जोड़ जोड़ के तुमको बताएं, साइंस 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 किस बात, किस लिए? विज्ञान और ज्ञान विरोधी नहीं है दोनों, ये मैकोले ने बनवा दिया तुम्हारे धर्म शास्त्रों की धज्जियां उड़वाने के लिए। इस पर विवेचना करूंगा मैं, अंतिम दिवस करूं या कल करूं या परसों करूं, साइंस क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान किसको, जानोगे तो चौंक जाओगे। ओहो हम तो विरोधी समझते थे, हमारी बुद्धि में तो ऐसा बना दिया गया। पर भगवान बलराम का जन्म हो रहा है, संकर्षण इसीलिए नाम पड़ा कि गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी मैया, तो दिव्या दिव्य भाव से उनका जन्म हो जाता है, भगवान बलदाऊ का जन्म है। दाऊ दयाल भगवान की, रोहिणी के लाला की। आज महाराज दाऊ दयाल भगवान श्री राम की तरह मध्याह्न दिन में आए हैं, राम बलराम और राम दोनों दिन में आए हैं, और हमारे ठाकुर जी अर्धरात्रि में आए हैं, आधी रात को। अब इस पर तो टीकाकारों की बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण कारागार के भीतर चतुर्भुज अवतार लेकर के आ गए। अब आप उधर चले जाइए कि चतुर्भुज मत आइए, शिशु बन करके आइए। रामावतार में फिर शिशु भी बन के आ गए, देव की माता को बता दिया, वसुदेव जी को बता दिया, सूप में लेके कारागार खुल गया, काश की अबाऊ खुल जाए महाराज। आज अर्धरात्रि को भारत वर्ष ही नहीं पूरी पृथ्वी धन्य हो गई जब मथुरा के कारागार में देवकी के लाल, वसुदेव के लाल, नंद के लाल और यशोदा के लाल का प्राकट्य हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। बाकी वो पहुंच गए भगवान यमुना जी से रास्ता लेते हुए, वहां पर एक लाली हुई थी, लाली को अपने मस्तक पे लेकर के आ गए। विद्वान ने कह दिया माया को सर पे लिया तो फिर से जेल में हथकड़ी बेड़ी लग गई, और ठाकुर को मस्तक पे लिया तो सारी हथकड़ी बेड़ी
खुल गई, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बाकी कथा की जरूरत क्या है बताओ। श्री कृष्ण जब मस्तक पर हो, तुम्हारे मस्तक में श्री कृष्ण हो, धर्म हो, तो दुनिया के सारे बंधन खुल जाएंगे, और माया हो तो खुली खुलाई बेड़ी फिर से बंध जाएगी। यही तो महाराज पूरी बात है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मामला बन जाए। याद रखो हमेशा एक बात, ये कह के और जय कन्हैया लाल की करता हूं, जीवन में धर्म मर्यादा और भगवान मस्तक पर होंगे तो चारों तरफ तुम्हारा पूजन होगा। याद करो वाराणसी में, चाहे यहां पर, जब गंगा जी में, गंगा जी अपने किनारे में बहती हैं तो उनकी आरती होती है, पर वही गंगा जी जब अपने किनारे और मर्यादा को तोड़कर गदौलिया में बहने लगती हैं तो लोग झाड़ू से अपने घरों से उनको बाहर निकालने लगते हैं। एक ने पूछा है तो गंगा जी को झाड़ू लगाए रही है, तो उसने कहा गंगा जी अपनी मर्यादा में तो बहे, हमारे घरे में घुस जाएंगे क्या। गंगा जी भी जब अपने मर्यादा और किनारों को तोड़ करके घरों में घुसती हैं तो आरती के बजाय झाड़ू मिलती है। याद रखो ये मानव का शरीर भी एक ट्रक की तरह है। जैसे तुम सरस्वती पूजा रखते हो, गणेश पूजा रखते हो, दुर्गा पूजा रखते हो और उस विग्रह को विसर्जन के दिन ले जाते हो, किसी ट्रक को रथ की तरह सजाते हो, उस ट्रक के पहिए को भी पकड़ के प्रणाम करके लोग इस बात को समझते हैं कि मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया। ट्रक को महाराज अहंकार हो गया कि देखो हमको इतना लोग प्रणाम करते हैं। दूसरे दिन ट्रक खाली हो गया, म्युनिसिपैलिटी वालों ने उसको बुक कर लिया, उसमें कूड़े और कचरे लाद दिए गए। कल जो लोग उस ट्रक के पहिए को प्रणाम कर रहे थे, आज जब ट्रक उसी सड़क से कूड़े और कचरे लेके जा रहा था तो नाक पे रुमाल रख के लोग साइड में चले गए। इस शरीर को भी ट्रक समझो। इस ट्रक के ऊपर में जब तक कन्हैया रहेंगे तब तक तुम्हारे चरण को छुआ जाएगा, और जिस दिन कन्हैया उतर गए, माया आ गई, तो फिर लोग नाक पे रुमाल रख के तुम्हारे बगल से निकल जाएंगे, तुम्हारे पास से निकल जाएंगे। मर्यादित और धार्मिक जीवन जीना है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर यशोदा के घर में आनंद हो रहा है। अब नंद की बहन जी ने जाके उनको बताया कि रोहिणी जी ने बताया इस चक्कर में क्यों फंसे, बताया किसी ने कि बाबा तेरो लाला है वो है। और बाबा ने अपनी बहन को जब नौलखा हार देना चाहा तो बहन ने ये कह के वापस कर दिया कि बाबा मैंने तो ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, ये हार और मुझे नहीं लगेगा, मैंने साक्षात ब्रह्म देख लिया है। महाराज पहले हमने दर्शन कर लिया है, लाला का दर्शन हुआ है, और चारों तरफ गोकुल में बधाइयां बज रही हैं, गोपियां महाराज आनंद मना रही हैं, चारों तरफ चित्कार हो रहा है, वाह वाह भैया नंद के आंगन में लाला का आगमन हो गया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।